आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 4 जुलाई 2024 की 5 बड़ी नोटिफिकेशन के बारे में। तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा जरूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जून 2024 के रिजल्ट की अपडेट के बारे में बात करते हैं। आप जानते कि 2 जुलाई 2024 को आपके लिए रिजल्ट की अपडेट आई थी। वैसे इस अपडेट के अंदर 99% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका किसी भी सब्जेक्ट के रिजल्ट की अपडेट जारी नहीं की गई। अब नेक्स्ट अपडेट कब आएगी अगर हम उसके बारे में बात करें तो आपको अगले 2 से 3 दिन के अंदर नेक्स्ट अपडेट देखने को मिल सकती है, क्योंकि नॉर्मली इग्नू का जो प्रोसीजर होता है वो यही होता है कि एक हफ्ते में, एक वीक के अंदर आपको 2 अपडेट या 3 अपडेट देखने को मिल जाती है। यानी कि एक अपडेट आने के बाद 2 से 3 दिन के बाद आपको एक और अपडेट देखने को मिल सकती है। तो आपको एक नई अपडेट कल या फिर परसों देखने को मिल सकती है जून 2024 के एग्ज़ाम के रिजल्ट की। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं और मुंबई रीजनल सेंटर की तरफ से ये जानकारी दी गई है एमए साइकोलॉजी एमए पीसी के लर्नर्स के लिए कि उनका जो प्रैक्टिकल होने वाला है उसमें उनको अपनी बुक्स लेकर आने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ लेकर आनी है उनको वो है उनका जर्नल कंपलसरी अलोंग विद आईडी कार्ड, यानी कि अपना इग्नू का आईडी कार्ड लेकर आना है और साथ में जो जर्नल है उनका उसको लेकर आना कंपलसरी है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि उनको लेकर आनी है। जितने भी एमए साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनका जो मुंबई रीजनल सेंटर में प्रैक्टिकल होने वाला है। आपके लिए इग्नू की तरफ से जुलाई 2024 के महीने का जो ज्ञानवाणी का इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग शेड्यूल है उसको जारी कर दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का पूरा शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है। इस शेड्यूल को पढ़ते कैसे हैं और इसका मदद कैसे लेते हैं, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ये देखना है कि आज टॉपिक और किस प्रोग्राम कोड या प्रोग्राम नेम से रिलेटेड ये कोर्स है वो होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी प्रोग्राम कोड है उसको देखिए कि आपको वो वहाँ पर मिल रहा है या फिर नहीं, या फिर जो टॉपिक है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है या फिर नहीं। अगर आपको दिखता है, मान लीजिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपेरेटिव लिटरेचर एंड ओवरव्यू या फिर इंट्रोडक्शन टू एमएससी फिजिक्स प्रोग्राम, तो एमएससी फिजिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, तो वो नोट कर लेंगे कि ये होने वाला है 9 जुलाई 2024 को मंगलवार के दिन 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। तो उस समय वो अपना जो रेडियो है उसको खोल लेंगे, आप तो मोबाइल जो होते हैं हमारे उनके अंदर भी आप रेडियो जो होता है वो आपको आ जाता है, तो आप वहां पर से इसको सुन सकते हैं और अपना जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो शेड्यूल है पूरा ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं और आपके लिए लैब शेड्यूल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनालिटिकल केमिस्ट्री पीजीडीएसी का प्रैक्टिकल शेड्यूल जारी किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं ये 7 जुलाई से आपके लिए 3 अगस्त 2024 तक चलने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट है जिनका पीजीडीएसी है वो अपना प्रैक्टिकल्स जरूर दे। ये इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया, अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल से संपर्क कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए।